जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिएगा आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ एसएससी जीडी के पेपर में पूछे जाने वाले टॉप 30 क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चनों को मैंने आपके लिए एसएससी जीडी के जो पिछले पेपर हुए हैं उन्हीं पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं और उनके आधार पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं मैंने आपके लिए इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं और आपको मैं कराने वाला हूँ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और सामान्य ज्ञान के प्रश्न रहने वाले हैं, और हाँ इस वीडियो में प्रश्नों की संख्या है 30, और आपको पता है 30 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं एसएससी जीडी के जो आगामी परीक्षा होने वाली है उनके लिए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आपको अपना टेस्ट पूरा लगाना है ताकि आप भी जान सकें आपकी एसएससी जीडी की तैयारी कैसी चल रही है, और हाँ आपको हर एक प्रश्न का आंसर साथ में बताते चलना है ताकि आपका साथ में जो भी डाउट है क्लियर होता चले। तो चलिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है और राइट आंसर भी आपको बताना है। महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे लॉन टेनिस से, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर दो है, उस देश का नाम बताएं जिसमें संशोधन के लिए प्रतिक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत उधार लिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है। आप अच्छे से समझ सकते हैं ना क्वेश्चन को। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी जर्मनी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर तीन देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर तीन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? फारसी थी ना, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर चार देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर चार है, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थे उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। पूछा जाता ना आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है और राइट आंसर अभी आपको बताना है कौन सा होगा। बी होगा ना, अर्जेंटीना। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर पांच देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर पांच है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर छह देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर छह है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा गया है, तो क्या है? बेसबॉल, टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सात देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर सात है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। फ्रांसीसी क्रांति से संबंध लेट व्हाट इज द थर्स स्टेट किसने लिखा? तो किसने लिखा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर डी एवेसीएस, आपको याद रखनी है, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर आठ देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर आठ है, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था? भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था, ये आपको बताना है। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ए वर्ष 2010 में हुआ था, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नौ देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर नौ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, विभेशन बनर्जी, बंकिम चंद चटर्जी। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विभेशचंद बनर्जी, यानी डब्ल्यू सी बनर्जी भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी, आप समझ सकते हैं ना, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रसिद्ध चित्रकार पेब्लो पिसाको निम्नलिखित में से क्या थे? तो क्या थे? स्पेनिश थे ना, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर बी, दिल्ली से देवनागरी, आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक
कौन थी? भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ए ऑप्शन राइट होगा, रजिया सुल्तान थी, आपको याद रखने, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 13 है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14 है, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे? भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, आपको बताना है इसका राइट आंसर। देखिएगा राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, कुशीनगर में। भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे, तो कुशीनगर में, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? तो यह हुआ कैनिंग, यानी रॉल्ड कैनिंग के कार्यकाल में, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो ये किया था जे एम हिक्की ने, ये बात आपको याद रखना है, यानी जे एम हिक्की आप समझ सकते हैं ना, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 17 है, रंगास्वामी कब का संबंध किससे है? रंगास्वामी कब का संबंध किस, राइट आंसर क्वेश्चन नंबर सी, हॉकी से है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में भी जाना जाता है आप समझ सकते हैं, तो ये जाना जाता है विटामिन V2 के रूप में, ये बात आपको याद रखना है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा, आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 है, मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है, क्या बताना है, मैग्सेसे अवार्ड यानी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय पूछे गए हैं, तो कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी डॉक्टर हरिगोविंद खुराना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, आचार्य विनोबा भावे थे, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी होगा, गोवा नहीं है, यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो आपको बताना है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 2013 में, ये बात आपको याद रखनी है, डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? परमाणु का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, परमाणु का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को, आप समझ सकते हैं ना, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी रॉड कैनिंग के समय में, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 24 है, थयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? थयम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? ये आपको बताना है, किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, अच्छे से समझ लीजिए ना, तो आपको बताना है, कर्नाटक, गुजरात, केरल, मणिपुर, तो केरल का, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 25 है, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है? तो आपको बताना है बुद्ध से, यानी ए ऑप्शन राइट होगा, आप समझ सकते हैं ना, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं कौन सा, क्वेश्चन नंबर 26 है, घोड़े द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित है?
घोड़े द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी की गति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा ना, न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर, यानी ए ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना आपको इसका राइट आंसर। तो ये माना जाता है बी ऑप्शन राइट होगा, मैत्रेय को आपको याद रखने, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन से संविधान के राजनीति विषयक निदेशक तत्व अपनाई गई? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। 28 का कौन सा राइट होगा? आयरिश संविधान से, ये बात आपको याद रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, राजकोषीय नीति जो कि आर्थिक सिद्धांत पर आधारित है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने दी? ये आपको बताना है। तो किसने दी? तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉन मेनार्ड कीन्स ने दी, यानी बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 30 है, देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन, वोल्गा, नील, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे लंबी नदी है ना, वो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? नील नदी है, यानी सी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है मैंने आपको इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराए हैं ना, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सभी लोग वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास में शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।